तो सो भाई लोग, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भाई मस्ती होंगे। तो सो भाई, आज के इस वीडियो भाई बहुत खास होने वाला, ठीक है ना? तो भाई आपको मैं सिखाऊंगा कि भाई आखिर भाई फेस स्मूथ होता कैसे है, ठीक है ना? आपको मैं सिखाऊंगा कि भाई फेस वाट एंड भाई फेस स्मूथ कैसे होता है। और भाई आप सबके लिए मतलब इतना मेहनत करें, यहाँ पे देख सकते हो कितना पसीना भी छोड़ रहा है, ठीक है ना? तो भाई आपको भाई मतलब कोई भी रियल तरीका नहीं बता था कि आखिर भाई फेस स्मूथ होता कैसे है, ठीक है ना? कोई कुछ भी बताकर चला जाता है और भाई आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना? आखिर भाई फेस वाट एंड भाई फेस को गोरा कैसे करें। और भाई यहाँ पे देख सकते हो आप सब भाई पिक कितना एकदम मस्त पिक है, ठीक है ना? तो आपको भी सीखना बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसे करना। और भाई जिसको सीखना वही वीडियो को देखो, और भाई जिसको नहीं सीखना वो अभी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लाइक करना होगा कर देना भाई, ये सब नहीं बोलता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब मतलब आपके हाथ में, ठीक है ना? करना होगा तो कर दीजिएगा, बट वीडियो को भाई फुल वॉच करो, ठीक है ना? क्योंकि भाई बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और भाई आप लोग को मैं सिखाता हूँ, जो भी मेरा भाई है फैमिली है, ठीक है ना? तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यू मतलब देखिएगा, ठीक है ना? आप मतलब सीख जाओगे कि आखिर भाई फेस स्मूथ होता कैसे है, ठीक है ना? तो हम लोग चलते सीधे वीडियो की ओर, आप लोग वीडियो में बने रहना, तो चलते हैं। तो सो भाई लोग, आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले भाई आपको कुछ नहीं करना, अपने स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है ना? और भाई ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग क्या कीजिएगा, अपने पिक को इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे जैसे जैसे मैं शो कर रहा हूँ, एंड आप लोग भी कुछ इस स्टेप से अपने पिक को मतलब ऐड कर लीजिएगा स्केचबुक एप्लीकेशन में, ठीक है ना? बाकी इसका भाई पहले नाम था ऑटोडेस्क स्केचबुक, अभी भाई स्केचबुक एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना? एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई फोटो मतलब कितना बेकार है, ठीक है ना? कितना गंदा है। और भाई इसी को एडिटिंग करके आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ एकदम हार्ड स्मूथ, और भाई फेस वाइट एंड फेस को गोरा कैसे करें ये सब बताऊंगा, ठीक है ना? पहले वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना? एंड भाई आपको ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करके आपको भाई ये वाली ब्रश को सिलेक्ट नहीं करना, आपको ये वाली ब्रश को सिलेक्ट कर लेना सबसे पहले, ठीक है ना? एंड इसका साइज कुछ स्टेप्स यहाँ पे रख लीजिएगा। एंड इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना? और भाई कलर को सिलेक्ट करना है वाइट, यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड भाई आप लोग भी वाइट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड इतना करने के बाद आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक लेयर बना लीजिएगा, ठीक है ना? और ये देख सकते हो एक लेयर बन गया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड भाई सॉफ्ट लाइट रखना, ठीक है ना? क्या रखना है, सॉफ्ट लाइट, यहाँ पे देख सकते हो। एंड इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फेस को जूम करके अपने फेस को कुछ स्टेप से वाइट करते हैं, ठीक है ना? और भाई आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि भाई अभी इतना ही वाइट और भाई फेस स्मूथ भी नहीं हुआ, ठीक है ना? तो देखो मतलब पढ़ते हो भाई, पढ़ाई करते हो पूरे एक साल, ठीक है ना? और फिर भाई लास्ट में रिजल्ट निकलता है, एक साल के बाद निकलता है, ठीक है ना? एक साल तो वेट करना पड़ता है ना, इसीलिए भाई शुरू में मतलब वैसे मतलब पता नहीं चलता कि कैसा फ़ोटो बनेगा कैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना? और आप लोग मतलब शुरू में मतलब घबराते रहते हो कि भाई अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो भाई आप लोग शुरू में मत घबराओ, ठीक है ना? आप लोग जो लास्ट में देखेगा ना कि भाई गजब का एकदम एडिटिंग होगा, एकदम हार्ड एडिटिंग होगा, ठीक है ना? ऐसा वीडियो भाई कहीं नहीं मिलता। एंड इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको हल्का सा कम करके यहाँ पर आपको मर्ज ऑल कर देना, ठीक है ना? एंड इतना करने के बाद हम लोग अगैन यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करके अब भाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रश वाले मतलब ये ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? और भाई इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर याद नहीं रहता बाई चांस, तो ठीक है ना? एंड इतना करने के बाद आप लोग मतलब इसको सेटिंग को कुछ स्टेप से रखना है, और भाई आपको भाई अपने फेस को अच्छा से स्मूथ करना, ठीक है ना? और भाई अभी मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मतलब कितना मतलब ख़राब यहाँ पे स्मूथ हो रहा है, और यहाँ पे काला धब्बा भी आ रहा है, ठीक है ना? और अच्छा से मतलब फेस गोरा भी नहीं हुआ, ये मतलब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा, ठीक है ना? दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो इसके लिए टेंशन ना लो, पहले आप लोग मतलब जैसा भी हो लगर के मतलब कुछ भी करके पहले आप लोग अपना फेस को अच्छा से स्मूथ कर लो, ठीक है ना? यहाँ पर मैं पहले फ़ोन को साइलेंट कर लेता हूँ, आप लोग रुको बस 2 सेकेंड, रुको 2 सेकेंड यार, इसका मतलब फ़ोन को सिलेंड कर देता हूँ, ठीक है ना? हाँ हो गया, अब भाई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है ना? तो डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है ना? एंड यहाँ पे पहले भाई आप लोग अच्छा से अपना फेस को अच्छा से पहले स्मूथ कर लो, ठीक है ना? अभी पता चल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कितना खतरनाक तरीका से यहाँ पे अपना फेस को स्मूथ कर रहा हूँ। एंड भाई आप लोग भी अपना फेस को अच्छा से खतरनाक तरीका से अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा, ठीक है ना? एंड बाकी बाकी भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई फेस वाइट और फेस गोरा कैसे करते हैं। अभी भाई मतलब काला धब्बा आ रहा होगा भाई,
ठीक है ना, एकदम मतलब खराब पिक लग रहा होगा, ठीक है ना। तो भाई आप लोग मतलब लास्ट तक आप लोग वेट कीजिए, बस मैं यही बोलूँगा, ठीक है ना। जिसको सीखना भाई वही मतलब देखेगा, मुझे पता है, ठीक है ना। जिसको नहीं सीखना वो अभी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई, क्योंकि भाई मैं अपने लिए थोड़ी एडिटिंग करता हूँ भाई, आप सबके लिए मैं मतलब इतना मेहनत करता हूँ एंड सिखाता हूँ, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। एंड भाई मैं आप लोगों को भाई बता ही देता हूँ कि ऐसे करना और वैसे करना, ठीक है ना। एंड भाई मैं लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा ना भाई, मैं अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे। यहाँ पे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पिक को भाई सीधे सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। और भाई लास्ट में मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि मत पूछो, ठीक है ना, एकदम गजब का एकदम लाजवाब रहेगा, ठीक है ना। बस आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये पिक कुछ स्टेप से हो गया, ठीक है ना भाई, कुछ तो अंतर हुआ ना। एंड यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, लाइटरूम एप्लीकेशन में इस पिक को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एंड भाई आप लोग भी अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई ये हमारी पिक है, और भाई ये प्रीसेट है, ठीक है ना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इस प्रीसेट को डाउनलोड करके अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लीजिएगा। एंड आप लोग इस थ्री डॉट पे क्लिक करके इसका भाई क्या करना है, कॉपी सेटिंग कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो इस पे क्लिक करने के बाद अपने पिक पे आ जाना, ठीक है ना। और इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस थ्री डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड वहाँ पे हम लोग कॉपी किए थे ना, हम लोग यहाँ पे पेस्ट सेटिंग कर देंगे, ठीक है ना। और ये भाई बोलता है कि किसी से नहीं होता भाई, ये बच्चा काम मतलब हर कोई कर लेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर भाई फेस मतलब कितना काला हो गया। इसके लिए भाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे मिक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। एंड भाई हम लोग ये सेकंड वाले कलर को सेलेक्ट करके हल्का सा सेचुरेशन को मतलब माइनस प्लस कर देंगे, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे इसको फुल कर देंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो इतना काम करने के बाद यहाँ पे मतलब आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि भाई मतलब फोटो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो भाई अभी रुको, मेरी जान अभी मतलब मस्त बन जाएगा, ठीक है ना। कहीं पर काला धब्बा है ना, और कहीं पर काला और कहीं पर व्हाइट है, तो ये मतलब सारा ठीक हो जाएगा। मैं बोला था ना भाई शुरू में कि एक ट्रिक बताऊँगा, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, रिमनी एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सारा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में या तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको इनहेंस पे क्लिक कर देना अपने पिक को इंपोर्ट करके। एंड भाई ये देखो भाई, अब भी जादू देखो भाई, यही मतलब यही ट्रिक है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग जूम करके यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना मतलब काला था, और भाई काला धब्बा था, ठीक है ना। और आप लोग मतलब सोच रहे होंगे कि भाई फेस मतलब जो भी स्मूथ हुआ था वो मतलब हट गया, ठीक है ना भाई, बाकी तो सही हुआ ना। तो अभी भाई फेस स्मूथ हम लोग कैसे करें, एकदम मतलब शॉर्टकट में स्नैपसीड एप्लीकेशन में, बस वन क्लिक में, ठीक है ना। एक तो हम एक बार तो किए, फिर दोबारा करेंगे, ठीक है ना। बस हल्का हल्का थोड़ा हट जाता है, ठीक है ना, इसके वजह से। रिमनी एप्लीकेशन का मतलब यही एक खराबी है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मतलब पिक तो अच्छा बन गया ना। एंड यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करके आप लोग सेलेक्टेड टूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको भाई जहाँ भी आपको काला लगता है आप लोग सेलेक्ट करके हल्का सा क्या कीजिएगा, अपने मतलब ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा से यहाँ पे फेस वाइट हो रहा है। एंड भाई आप लोग भी कुछ स्टेप से अपने फेस को वाइट कर लीजिएगा। एंड एकदम मस्त तरीका से आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से कर दीजिएगा। एंड प्रोटेक्ट पर क्लिक करके आप लोग देखो यहाँ पे फेस स्मूथ कर सकते हो, इसको फुल कर देना। एंड इसको भी हल्का सा बढ़ा देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जूम करके यहाँ पे देख सकते हो फेस स्मूथ हो गया, ठीक है ना। देख सकते हो भाई आप सब मतलब कितना गंदा पिक था भाई शुरू में, आप लोग मतलब देखे होंगे कि भाई कितना गंदा पिक था, और भाई अभी देखो कितना गजब का पिक हो गया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे सैचुरेशन को सिलेक्ट करके मतलब जो जो मैं निशान बता रहा हूँ भाई आप लोग उसको फॉलो कीजिए। एंड यहाँ पे अपने लिप को रेड कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे एडिटिंग हो गया, बस मैं एक एक्स्ट्रा अभी और बताऊँगा, एक चीज़ मैं और बताऊँगा, ठीक है ना। बाकी बात यहाँ पे एडिटिंग हो गया, ठीक है ना, ये एडिटिंग हो गया कम्प्लीट, ठीक है ना। बस मैं एक एक्स्ट्रा बताता हूँ, बस आप लोग क्या कीजिएगा, बस दो सेकंड का काम है। यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे अपने पिक को इंपोर्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे इस पे इफेक्ट पे क्लिक करके आप लोग कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको इस वाले को सिलेक्ट करके आप लोग क्या कीजिएगा, अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। एंड भाई आपको मतलब जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, पसंद लगता है आप लोग रख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं ऐड फोटो पे जाऊँगा, एंड भाई एक PNG को ऐड कर लूँगा, और इसका ब्लेंडिंग मोड भाई यहाँ पे देख सकते हो स्कैन करके कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं लगा दूँगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे खतरनाक ही भाई एडिटिंग हो गया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ये सब मत कीजिएगा, ठीक है ना। एडजस्ट पे जाके ह्यू को हल्का सा कम कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये कर लेना। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कितना खतरनाक एडिटिंग हो गया, और कितना अच्छा फेस स्मूथ हो गया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं पहले गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे देखो भाई, ये भाई कितना मतलब ऐसा पिक भाई, मतलब ये पिक और ऐसा पिक बनाने में भाई बहुत आसमान और भाई धरती मतलब क्या बोलता है मुझे पता भी नहीं, ठीक है ना। मतलब आप लोग इसको भी
कलर कर सकते हो, मतलब जो भी चश्मा पहने हो कलर कर सकते हो, अगला वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और भाई शर्ट को कलर कैसे करते हैं ये सब मैं बता दूंगा, और भाई ऑयल पेंट कैसे करते हैं मैं ये अगला वीडियो में बता दूंगा, भाई समझ सकते हो, ठीक है ना।